हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज मैं पहुंचा हूं एक बहुत ही अच्छी जगह। मैंने सोचा यहां से जो है आप लोगों को नज़ारा दिखाया जाए। और सबसे पहले मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि यहां पे कितनी अच्छी जो है, पीछे जो है आप सरसों देख सकते हैं। और यहां पे बहुत अच्छी सरसों की खेती देखी जा रही है। हालांकि मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तराखंड में, और मैं ऐसे एक मंदिर में आके पहुँचा हूँ जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से हर धर्म में कोई ना कोई अवतार ऐसा हुआ है जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसी तरह जैसे साईं बाबा को लोग बहुत ज़्यादा पूजते हैं, उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, इसी तरह जो है बंगाली समाज के उत्थान के लिए भी हरिचांद और गुरुचांद नाम के दो व्यक्तियों ने जन्म लिया था, जिन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, ईश्वर माना जाता है। और उनकी बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, बहुत जगह उनके मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे ही एक मंदिर में मैं इस समय पहुंचा हूं। यह है शक्ति फार्म नंबर 2 उत्तराखंड, जो सितारगंज से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। वहां मैं पहुंचा हूं और यहां पे मैंने जो व्यवस्थाएं देखी, मैंने सोचा कहीं ना कहीं आप लोग इस बीच इन चीज़ों को दिखाया जाए। यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे अभी भी काम जो है हो रहा है, जिससे और इस मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक तालाब है। यहाँ पे जब इनका जो है जन्मदिन कहा जा सकता है, जिस दिन जन्मदिन एक तरीके से मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पे जो है स्नान होता है, उसे वारुणी स्नान के नाम से जो है बहुत प्रचलित है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसी तरह का कई सारे मंदिर जो हैं, कई सारे स्थानों पे आप देख सकते हैं जहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है इस तरह की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर वारुणी स्नान जब होता है तो बताया जाता है बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेला भी लगता है, जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरसों आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है मेला लगता है। और जब सीज़न वो टाइम ओवर हो जाता है तो उसके बाद जो यहाँ पर जो है इसी तरह फसल की जाती है, क्योंकि इस ट्रस्ट को चलाने के लिए, इस मंदिर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, 12 महीना सेवा देने के लिए यहाँ पे खेती की जाती है। और इसी से शायद इसके जो बजट से होता है, उसे मंदिर में जो लोग रहते हैं दिन रात 24 घंटा, और जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी जाती है। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो मंदिर की काफ़ी सारी जगह है, अभी भी यहाँ पर निर्माण कार्य जो है लगातार चल रहा है। तो मैं आपको जो है अंदर जाके मैं दिखाता हूँ किस तरह की मूर्तियां अंदर जो है स्थापित की गई हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूं। तो मैं इस समय अंदर पहुंच चुका हूं और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हरिचंद जी और उनकी वाइफ जो है शांति माता जिन्हें कहा जाता है, वो यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित है। और बाहर जो है कुछ ऋषि मुनियों की फ़ोटो भी बनी हुई है। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा उस समय मानव जाति के उत्थान के लिए जो भेदभाव थे, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये लोगों ने जन्म लिया और इन्होंने ईश्वर की तरह ही लोगों की सेवा करी। और इनके द्वारा किए गए कई सारे उपकार से, कई सारे जैसे कहते हैं किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी थी तो उसको जरा सा कुछ दे दिया और वो सही हो गया, इस तरह के जिस तरह से आप लोगों ने साईं बाबा को देखा है, इसी तरह से हरिचांद जी ने भी और शांति माता जी ने भी मानव जाति की सेवा की है, इसलिए लोग इन्हें पूजते हैं, आस्था का केंद्र बना हुआ है। और बहुत बड़ा वर्ग वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हैं और इंडिया के कोने कोने में जहाँ भी बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, इनकी जो है पूजा और आस्था दिल में लेकर चलते हैं। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पहुँचा था। आज मैं शक्ति फार्म में हूँ और बहुत सारी ऐसी जगह मैं पहुँचूंगा और जिन जिनकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल्कुल भी लेट मत करें, बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।